बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एक्सरसाइज 1D ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 and 8। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ न्यूटन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस डी मीटर बिटवीन द पार्टिकल्स। लिखना है आपने, राइट डाउन अ फार्मूला कनेक्टिंग एफ एंड डी। आपने फार्मूला लिखना है जो एफ और डी को आपस में कनेक्ट कर रहा हो। पार्ट वन, ठीक है। गिवन है आपको जो है ना वो फोर्स, रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे को हटाना, कि वो फोर्स है दो पार्टिकल्स में, दो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे को दूर कर रही है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस डी मीटर, ठीक है। ये स्केयर ऑफ द डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है। हम इसको लिखेंगे कैसे, एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डी स्केयर के, ठीक है। और आपको पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश होता है तो कांस्टेंट के आ जाता है। ये कांस्टेंट के आ गया, वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपने अपनी इधर इक्वेशन के साथ लिख लेना है। ये हमारी जो है ना वो इक्वेशन बन गई और यही हमारा आंसर है। हमने फॉर्मूला जो है ना वो बनाना है जो एफ और डी को आपस में कनेक्ट करे, और यही जो है ना वो फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। वो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है, व्हेन द पार्टिकल आर एट अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस के खास डिस्टेंस पे हैं वो, ठीक है। एक खास डिस्टेंस से पार्ट दूर है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज 20 न्यूटन। उनमें जो फोर्स है जो एक दूसरे को रिपेल कर रही है वो 20 न्यूटन है। कह रहे हैं फाइंड द फोर्स, फाइंड करें जब डिस्टेंस उनका हाफ रह जाए, ठीक है। डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया नहीं है, बस उन्होंने मेंशन किया है कि वो जो है ना एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ना हम खुद सपोज कर लेंगे, खुद लेट कर लेंगे, ठीक है। और इधर हम जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना सपोज जो है ना वो एक्स कर लें। पार्ट नंबर टू, एफ उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, क्या है एफ 20 न्यूटन है। एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन और हम जो है ना लेट द डिस्टेंस जो है ना वो हम कर लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स मीटर कर लें, ये हमने इसको एक्स मीटर कर ली। ये वाली जो जो वैल्यूज़ है ना हम अपनी इस वाली इक्वेशन में, जो हमने इसको कनेक्टिंग इक्वेशन इनका फार्मूला बनाया था उसके अंदर राइट डाउन करेंगे और अपनी के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 20 kx², ठीक है। ये के की वैल्यू आ गई आपके पास 20 kx², ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। और ये अगर आप इसमें राइट डाउन करते हैं के की वैल्यू, तो आपके पास इक्वेशन ये बन जाती है 20 kx² और D², ठीक है। ये इक्वेशन कनेक्टिंग आपके पास बन जाती है। अब आपको सिचुएशन फाइंड आउट आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड द फोर्स व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ्ड। जब डिस्टेंस आधा रह जाए तो फिर आपने जो है ना इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस इधर हाफ कैसे होगा, व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ। क्या हाफ डिस्टेंस होगा, हाफ डिस्टेंस ये है 1/2 x, ठीक है। क्योंकि हमने डिस्टेंस सपोज किया था एक्स और उसका हाफ उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, हाफ डिस्टेंस आ गया 1/2 x। ये हमारा इधर डी आ गया, ठीक है। आप इसमें इस वाली इक्वेशन में इधर डी की वैल्यू राइट डाउन कर लें, क्योंकि आपने तो फोर्स फाइंड आउट करनी है,
डिस्टेंस आपको उन्होंने ये दिया हुआ है, 20x की स्केयर 1/2 x का स्केयर, ठीक है। ये 2 2 4 हो गया, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये x की स्केयर, ये इधर x की स्केयर और ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये ऊपर चले गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया x की स्केयर और x की स्केयर, और जो फोर्स है वो हमारे पास 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया है, 80 न्यूटन, ठीक है। इधर देख लें, इजिकल टू 80 न्यूटन, फोर्स इजिकल टू 80 न्यूटन, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है जो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। फाइनली जब हमारा डिस्टेंस हाफ रह जाए, और यही पार्ट टू का आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश्ड स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एक वॉल्यूम फिक्स है और उसकी हाइट है कोन की, कोन दिस शेप, ठीक है, ये वाली शेप जो कोन है हाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्केयर ऑफ द बेस रेडियस, ठीक है। आर की स्केयर का जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। कोन ए हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक कोन है उसकी बेस उन्होंने ये दी हुई, बेस रेडियस ये दिया हुआ है और उसकी हाइट ये दी हुई है, ठीक है। और सेकंड वाली की जो बेस है ना वो हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले की हमें हाइट दी हुई है। अगर उन सब का सेम वॉल्यूम है, कि वॉल्यूम उन सब का कॉन्स्टेंट है, तो कह रही हैं हाइट फाइंड करें कोन की और रेडियस फाइंड करें, कोन बेस रेडियस फाइंड करें इसका कोन सी का। देखें कोन बी का उन्होंने हमें रेडियस दे दिया हुआ है और कोन सी का जो है ना हमें हाइट दे दी हुई है, कि ये इसकी वो फाइंड आउट करनी है और इसकी वो फाइंड आउट करनी है। ये बहुत सिंपल है। लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने हमें गिवन ये है कि हाइट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किस चीज़ के, टू द स्केयर ऑफ द बेस रेडियस, ठीक है। स्केयर ऑफ द बेस रेडियस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। जब आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिनिश होता है तो उधर आ जाता है कॉन्स्टेंट। वेर के इज कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट आ गए, ये इनकी आपस में इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें एक उन्होंने हमें ऐसी कोन दी हुई है जिसमें से उन्होंने रेडियस भी, उसका बेस रेडियस भी दिया हुआ और उसकी हाइट भी दी हुई है। वो दोनों वैल्यूज हम राइट डाउन करके जो है ना अपनी के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और पहले हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हम अपनी इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। इसमें हमें कोन ए में हाइट दी गई हुई है 5 के और रेडियस हमें दिया गया हुआ 6, ठीक है। 6 6 36, ये 5 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 × 36, वी गेट 180। के की वैल्यू 180, और यही 180 हम अपनी इस इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे और हमारे पास इक्वेशन कनेक्टिंग आ जाएगी 180 आर की स्केयर, ठीक है। पार्ट वन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, दी हाइट ऑफ द कोन बी, हाइट हमने फाइंड आउट करनी है जबकि हमें आर दिया गया हुआ है, ठीक है। पार्ट वन फॉर कोन बी, आप राइट डाउन कर लें कि हमें कोन बी के लिए जो है ना वो फाइंड आउट करना है। कोन बी में हमें उन्होंने दी हुई है बेस रेडियस, रेडियस उन्होंने हमें दिया गया हुआ है कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है, ठीक है। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपने इसमें रखनी है और हमें हाइट फाइंड आउट हो जाएगी 180, 3 का स्केयर 189, और ये आ गया आपके पास 20 9 2 18, 9 1 2, और ये आपके पास 20 आ गया, और आपके पास हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर, और यही आपका जो है ना वो आंसर है फॉर कोन बी की हाइट पार्ट वन का। और अब पार्ट टू में उन्होंने क्या कहा हुआ, दी बेस रेडियस ऑफ कोन सी,
ये बेस रेडियस जो है ना आपने कोण सी का जो है ना वो फाइंड आउट करना है, लिखने इधर फॉर कोण सी, जबकि उन्होंने हमें इसमें हाइट दी हुई है, हाइट उन्होंने दी हुई है 1.25 सेंटीमीटर, ये उन्होंने हमें हाइट दी हुई है, और ये हमने इसमें अपनी इस वाली इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे और अपनी रेडियस उसका फाइंड आउट कर लेंगे। 1.25, 180 ओवर आर स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर, 180, 1.25, ठीक है। ये 180 को आप डिवाइड कर लें, 180 डिवाइडेड बाय 1.25, वी गेट 144, और 144 का आपने अंडर रूट लिया तो आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। ये आप ले लें, इधर ले लें, आर स्क्वायर का अंडर रूट लें तो आर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 12, और यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 का, और ये आपके पास बेस रेडियस आ गया कोण सी का। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ आल्सो फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।